मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग चैप्टर 7 पागल मुखिया सबक ये कहानी ऐसे बच्चे की है जो कागजों को बहुत बर्बाद करता था, बिना कलम में फाड़ता था और इधर उधर फेंक देता था। अब इस कहानी में देखेंगे कि कागजों में से कैसे रबड़। अधीश 8 साल का लड़का था, कक्षा का विद्यार्थी था। कागज की बहुत बर्बादी करता, बर्बादी नहीं कागजों को बहुत खराब करता, पर जब चाहे कागजों को फाड़ता और इधर उधर। अधीश होता एक 8 साल का लड़का था जो क्लास 3rd का विद्यार्थी भी स्टूडेंट था, और वो कागजों को इधर उधर फाड़ता और गिरा देता था। यदि उसकी लिखावट अच्छी ना हो पूरे पेज को नष्ट कर देता, नष्ट मतलब खराब कर देता, फेंक देता उसको, ठीक है। तो जब उसको अपनी राइटिंग उस पेपर पे नहीं अच्छी लगती तो क्या करता, तुरंत पेपर फाड़ के अंदर फेंक देता, उसको नष्ट कर देता। वास्तव में उसे कागज की कोई कदर नहीं थी, वास्तव में सचमुच उसे कागजों की कोई भी कदर नहीं थी, वो उनकी कोई भी कदर नहीं करता था। उनके माता पिता और बड़ा भाई बहुत वह उनसे वादा करता, परंतु अगले ही दिन फिर उसके जो मम्मी पापा थे, उसके जो बड़े भाई थे, वो उसे बहुत समझाते कि बेटा कागज को फाड़ना और उनको उधर फेंकना अच्छी आदत नहीं। परंतु वो क्या कहता, हाँ हाँ ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन अगले ही दिन से फिर से वो कभी Thank you।
उसका भी उसने मजाक उड़ाया। अंत में एक बड़ा सा कागज जो सबका सरदार लग रहा था वो सामने आया और उसने बोला कि हम सभी ने तुम्हें अपना अपना दुख बताया, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम सब ने ये निर्णय लिया है, निर्णय भी फैसला किया है कि अब हम सब तुम्हारी दुनिया से दूर चले जाएंगे। इतना ही कहकर वे सब कागज से चले गए। तभी अधीश को पापा की आवाज़ सुनी। तभी अभी अधीश को क्या सुनाई पड़ी? पापा की आवाज़। और उस सपने में ही उनके पास पहुंच गया। उसने क्या देखा कि उसकी जो माँ है वो बिस्तर पे लेटी हुई है और वो बहुत बीमार है। उसके पापा ने अलमारी से कुछ पैसे निकाले और उसको देते हुए कहा, बेटा तुम दौड़ कर डॉक्टर के पास जाओ और तो उनसे कहना कि मेरी माँ को 103 डिग्री बुखार है, वो उल्टियाँ भी हो रही हैं, आपको दवा लिखनी चाहिए। वो दौड़ कर डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर को अपनी माँ की हाल बताई और डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ उसको लिख दी और कहा कि जाके केमिस्ट मीन्स जहाँ से हम दवाइयाँ खरीदते हैं, है ना। कुछ डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं पर कुछ पेपर पे यानी कागज पे लिख देते हैं कि जाइए दवाइयाँ ले लीजिए। तो जहाँ से हम जाते हैं दवा खरीदते हैं यानी दवा खाना, वहाँ से जाके दवा तो ले लेना। उसने वैसा ही किया, दौड़कर केमिस्ट के पास पहुँचा और वहाँ जाते ही उसने क्या देखा, जो जेब में उसने पेपर रखा था वो उसकी जेब में नहीं है। परेशान